रिलायंस ने कल जो एनुअल जनरल मीटिंग की थी 5 जुलाई को, उसमें जियो से रिलेटेड कई सारी अनाउंसमेंट की थी और उसी के ऊपर एक छोटी सी एनालिसिस कि कहाँ पे जियो में कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं और कहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत कमी रह गई है। तो सबसे पहले जो चीज थी वो थी JioPhone 2। जी हाँ, जो पहले JioPhone था वो अब JioPhone 2 हो गया और देखा जाए तो इंटरनली पूरा का पूरा सेम हार्डवेयर है, सिर्फ ऊपर से थोड़े चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि इस बार QWERTY कीपैड दे दिया गया। जैसा अगर आपको याद होगा तो ब्लैकबेरी में मिलता था, स्क्रीन का साइज थोड़ा वाइड कर दिया गया, यानी कि 2.4 इंच की QVGA स्क्रीन लगा दी गई है और कीमत भी सीधे डबल कर दी गई है। मतलब सेम इंटरनल्स हैं, 512 MB रैम है, लेकिन कीमत पूरे 3000 कर दी गई है। और जो पुराना JioPhone था तो उसको मैंने एक छोटा सा रिव्यू कभी बनाया था, तो मुझे ये ऐसा लगा था कि पूरी तरीके से बकवास फोन है, क्योंकि उस JioPhone के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि आइडल बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा था, वो गर्म होता था, वो लैग और हैंग भी होता था, यानी कि वो नॉर्मल फीचर फोन आते हैं ना उनसे ज्यादा स्लो था। और इस बार क्या हो रहा है, सिर्फ QWERTY कीपैड के साथ एक बड़ी स्क्रीन के साथ आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें भी पता होना चाहिए कि ब्लैकबेरी के फोन भी आजकल कोई नहीं खरीदता, तो जो QWERTY कीपैड है उसे लाने का कोई मतलब नहीं, उन्हें फुल टच स्क्रीन फोन बनाना चाहिए था। मेरी राय में तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एक एंड्रॉइड गो वाला फोन बनाना चाहिए था। जो एंड्रॉइड ओरियो का जो गो एडिशन है ना, वो लो एंड हार्डवेयर के लिए काफी अच्छा है, तो वो 3000 रुपए में एक टच स्क्रीन फोन बना देते जिसके अंदर एंड्रॉइड गो पे चलता है, तो ये काफी अच्छी चीज होती है। और अपनी जियो की एप्स का भी गो वर्जन निकाल देते, यानी कि थोड़ा लाइट वर्जन निकाल देते जैसा गूगल कर रही है, तो वो सही में एक स्मार्टफोन होता जो कि इंडिया के लिए होता और 3000 रुपए में बन पाना पॉसिबल भी था। पता नहीं उन्होंने इस बार भी बटन वाला फोन बना दिया है और वो एक फीचर फोन ही है और देखा जाए तो सेम इंटरनल्स के साथ आ रहा है जो आपको JioPhone 1 में मिले थे। इसके बाद जो सबसे अच्छी चीज जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था वो थी जियो गीगा फाइबर। अब जियो गीगा फाइबर की बात की जाए तो ये गीगाबिट का एक फाइबर इंटरनेट कनेक्शन है जो आपके घर पे आपको टेलीफोन लाइन के थ्रू जैसे आपको नॉर्मल इंटरनेट मिलता है वैसे ही आपको घर में इंटरनेट दिया जाएगा। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है रजिस्ट्रेशन वगैरह की वो 15 अगस्त से चालू होगी, तो सीधी बात है वहां पे अगर आपको अपनी एरिया और लोकेलिटी डालनी है और किसी पर्टिकुलर एरिया लोकेलिटी से ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगी तो वहां पे ये आपका जियो गीगा फाइबर इंस्टॉल कर देंगे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने ही अकेले रिक्वेस्ट किया तो आपके अकेले को ही मिलेगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी पूरे मोहल्ले को ही साइन अप करना पड़ेगा तब जाके ये चीज हो पाएगी। और जियो ने बोल दिया है कि वो कम से कम 1100 शहरों तक ले जाना चाहते हैं, तो 1100 शहर जो है वो काफी बड़ा नंबर लगता है इस हिसाब से। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ, जो जियो फाइबर है पिछले 1-1.5 साल से बीटा स्टेज में है और अभी तक इंडिया के सिर्फ 9 शहरों तक ही पहुंच पाया है, और ये शहर अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, सूरत, वडोदरा और विशाखापट्टनम। लेकिन इन शहरों में भी हर जगह तक नहीं पहुंच पाए, इसके अंदर जो कुछ कुछ एरिया है, कुछ कुछ लोकेलिटी है सिर्फ वहीं तक ही सीमित है, पूरे शहर में भी अवेलेबल नहीं है। किसी अगर लोकेलिटी से ज्यादा रिक्वेस्ट अगर आती है इनके पास तो ही ये वहां पे जाते हैं, तब भी देखा जाए तो ओवरऑल ये बहुत ही कम जगह पर है, तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके यूजर्स भी काफी कम है और इसकी जो रीच है वो बहुत ही ज्यादा कम है। और इसका प्राइस जो बीटा स्टेज चल रही थी उसमें ये था कि केवल 1 टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 4500 रुपए की और वो रिफंडेबल मनी है। उसके बाद ये होगा कि हर महीने आपको 100 Mbps की स्पीड पे 100 GB डेटा मिलेगा और जैसे ही आपका 100 GB डेटा खत्म हो जाएगा तो ये स्पीड हो जाएगी 1 Mbps। तो ये जो प्लान है वहां पे मिल रहा है। और जियो वालों ने तो ये तक बोल दिया कि अब वो Mbps में नहीं GBPS में बात करेंगे, तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो GBPS है अभी सिर्फ 1 GBPS तक ही सीमित है और इनके जो प्लान्स वगैरह ना वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो अगर मैं आपको स्पीड का आइडिया देना चाहूँ तो अगर आपके पास 1 GBPS का इंटरनेट कनेक्शन है तो 1 GB की मूवी डाउनलोड होने में सिर्फ आपको 8 सेकंड्स लगेंगे। अगर डेटा अगर अनलिमिटेड नहीं है और डेटा अगर कम है और थोड़ा सा महंगा है तो ये आपका जो डेटा होगा ना वो जल्दी खत्म हो सकता है। लेकिन जियो से उम्मीद है कि वो अनलिमिटेड प्लान्स को निकाले, ये FUP वाला जो चक्कर है ना ये खत्म कर दे, क्योंकि 100 Mbps के लिए जो 100 GB है वो थोड़ा ज्यादा लगता है लेकिन एक्चुअली में जब लोग इसे यूज करते हैं ना किसी घर में तो 100 GB खत्म होने में देर नहीं लगती क्योंकि लोगों का डेटा कंजप्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे अच्छा 100 Mbps के साथ अगर ये 1 TB का कनेक्शन देते तो ये काफी अच्छी चीज होती, और अगर ये 1 GBPS का अगर लोग इंटरनेट देने लगे तो इन्हें अनलिमिटेड जैसा ही कुछ देना पड़ेगा। अगर ये अनलिमिटेड नहीं देते तो ये बहुत जल्दी भी खत्म हो सकता है। एक और बात ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जियो फाइबर अभी जिन शहरों में मिल रहा है ना वहां पर इससे सस्ते में जो लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर या फिर जो दूसरी कंपनीज है जैसे हाथवे हो गया, ACT ब्रॉडबैंड हो गया या फिर कोई छोटी कंपनी हो गई, वो ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी वाले प्लान्स को प्रोवाइड कर रही है। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे मुंबई जैसे शहर में आप 5000 रुपए दे सकते हो 1 साल का और 50 Mbps अपलोड और 50 Mbps डाउनलोड
ब्लूटूथ वाले इंटरनेट कनेक्शन भी ले सकते हो। और कई सारे शहरों में तो आपको 1 Gbps का भी अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन मिल सकता है, मतलब ये चीज भी पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि जियो शायद इस चीज में थोड़ा पिछड़ रहा है। और जो जियो का जो मेन टारगेट है ना, वो छोटे छोटे शहर ही, ना कि ये बड़े बड़े शहर जो कि है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज जहां पे अभी इंटरनेट महंगा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें पहले इन शहरों में जाना चाहिए और इन शहरों को कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि वहां पे सस्ता इंटरनेट देके आप इजीली ग्रो कर सकते हो। जबकि जो बड़े शहर है वहां पे कई सारे प्लेयर्स मौजूद है पहले से ही, और वहां पे इंटरनेट पहले से ही सस्ता है। तो जो छोटे शहर है उनको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई लोकल प्रोवाइडर नहीं होता और जो इंटरनेट होता है जो ब्रॉडबैंड के थ्रू आता है वो काफी ज्यादा महंगा है। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में इन्हें जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जाएंगे, लेकिन अभी जाने में काफी टाइम है, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जियो गीगा फाइबर के साथ रिलायंस ने अपना जियो गीगा टीवी भी अनाउंस कर दिया गया है। एक्चुअली में ये सिर्फ एक सेट टॉप बॉक्स टाइप है जो आपकी टीवी से कनेक्ट हो जाएगा, और इस सेट टॉप बॉक्स के थ्रू आप मूवीज वगैरह देख पाओगे। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है, ये जो सेट टॉप बॉक्स है ये केवल आपके जियो गीगा फाइबर के इंटरनेट के थ्रू चलेगा, ये कोई सैटेलाइट से इसका कोई कनेक्शन नहीं आने वाला है। और हाँ, ये आपके टीवी को स्मार्ट टीवी बना देगा, क्योंकि ये उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपकी अमेजन की फायर टीवी स्टिक काम करती है। और हाँ, इसके अंदर आप जियो टीवी की ऐप होगी, तो जैसे जियो टीवी की जो ऐप आपके फोन में चलती है तो आप इस सेट टॉप बॉक्स में चला पाओगे और आप इसके सारे चैनल्स का मजा ले पाओगे। और इसके अंदर जियो सिनेमा की भी ऐप दी गई, तो आप जियो सिनेमा से मूवीज भी देख पाओगे। और इसके लिए वॉइस कंट्रोल रिमोट भी दिया गया, जैसा आपको फायर टीवी स्टिक के साथ भी मिलता है। और अच्छी बात यह है कि 4K को सपोर्ट करती है, तो इंडिया में बहुत ही कम ऐसे स्मार्ट टीवी बॉक्सेस जो 4K को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भले ही ये सेट टॉप बॉक्स 4K को सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया में आज की डेट में भी कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो 4K में आता हो। और दूसरी बात ये भी, जो कंटेंट है जियो सिनेमा पे वो भी 4K में अवेलेबल नहीं है। तो फिर 4K को लाने का मतलब क्या हुआ? केवल शो ऑफ करने के लिए, क्योंकि कंटेंट तो असली है ही नहीं। और मूवीज वगैरह भी आजकल फुल HD में ही बनती है, 4K का कंटेंट बहुत ही कम है। और हाँ, जो स्क्रीनशॉट इन्होंने शेयर किया था अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में, वहां पे कोई भी यूट्यूब की ऐप देखने को नहीं मिली, वहां पे केवल जियो की ऐप्स थी। अगर इसमें यूट्यूब की ऐप होती तो यूट्यूब के थ्रू लोग 4K कंटेंट का मजा ले लेते, लेकिन इसके अंदर तो यूट्यूब की ऐप भी अभी नहीं, और पता नहीं कब कैसे आएगी। और ये जो गीगा टीवी होगा, ये आपके गीगा फाइबर के इंटरनेट के कनेक्शन के साथ ही आपको इसे लेना होगा। तो आप गीगा फाइबर वाला कनेक्शन ले लीजिए या फिर गीगा फाइबर प्लस गीगा टीवी वाला ले लीजिए। और ये बात भी नोटिस करने वाली है कि जब आप गीगा टीवी को यूज करेंगे तो उसका जो डेटा होगा ये आपके जो नॉर्मल जो डेटा प्लान होगा जो गीगा फाइबर का उससे कटेगा, या फिर ये अनलिमिटेड रहेगा। क्योंकि अगर आप टीवी देख रहेंगे और वो HD में चलेगा तो सीधी बात है डेटा ज्यादा कंज्यूम होगा और जल्दी भी खत्म हो सकता है। तो ये बात भी सोचने वाली है। इस बात पर भी अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या टैरिफ प्लान्स होंगे और ये चीज आखिर काम कैसे करेगी। तो ओवरऑल जो गीगा टीवी है ना, ये एक सेट टॉप बॉक्स की तरह है जो आपके नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, जिस तरीके से काम अमेज़न फायर टीवी स्टिक करती है। और इसके बाद जो सबसे अजीब चीज मुझे लगी है ना, वो लगी है जियो गीगा फाइबर होम। अब ऐसी खबर भी सुनी थी कि जियो अपने स्मार्ट होम डिवाइसेस पे काम कर रही है, लेकिन ये नहीं सुना था कि हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी। ये स्मार्ट होम डिवाइसेस कुछ इस तरीके के, जैसे सर्वेलेंस कैमराज हो गए, स्मार्ट स्पीकर हो गए, वाईफाई एक्सटेंडर हो गए, स्मार्ट प्लग्स हो गए, स्मार्ट डोर लॉक हो गए, और अलग अलग टाइप के सेंसर्स हो गए जो आपके घर की सिक्योरिटी वगैरह को बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल ये छोटे छोटे डिवाइसेस ही आपके घर को स्मार्ट होम बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कितने के आएंगे, इनकी अवेलेबिलिटी कब होगी, हमें कब देखने को मिलेंगे और ये कैसे काम करेंगे, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस उन्होंने केवल नाम बता दिया है, और इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि इन डिवाइसेस को अगर किसी के घर में लगाना है तो टाइम केवल 1 घंटे का ही लगेगा। अगर मैं सच बताऊं तो ये जो स्मार्ट डिवाइसेस है दूसरे प्रोडक्ट्स की कॉपी लग रहे हैं, जैसे कि इसका ऑडियो डोंगल, वीडियो डोंगल जो बताइए मेरे को क्रोमकास्ट की कॉपी लग रहा है, इनका जो स्मार्ट स्पीकर है मेरे को गूगल होम या जो अमेज़न की एलेक्सा आती है उसी की कॉपी लग रहा है। मतलब जियो कोशिश कर रहा है दूसरी कंपनीज जैसे प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि क्या सच में उतने अच्छे लेवल के प्रोडक्ट बना पाएंगे जिस तरीके से गूगल और अमेज़न जैसे बना पाते हैं, और क्या सही में स्मार्ट डिवाइसेस जो है उनकी एक्चुअली में इंडिया में जरूरत है, क्योंकि इंडिया के हर कोने तक अभी इंटरनेट अच्छे से पहुंच नहीं पाया है। तो पहले इंडिया को एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो और फिर जाके शायद ये फ्यूचर में ऐसे स्मार्ट प्रोडक्ट्स की इंडिया को जरूरत पड़ सकती है। और अगर मैं बात करूं ऐसे स्मार्ट प्रोडक्ट्स की ना, तो वर्ल्ड वाइड भी ऐसे स्मार्ट होम्स का कंसेप्ट अभी काफी नया है, और US जैसी कंट्रीज में भी धीरे धीरे लोग इसे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अमेज़न एलेक्सा गूगल होम US में बिकना चालू हो गए और लोग इसे यूज करना चालू कर दिया है, लेकिन अभी भी अच्छे तरीके से एक्सपेंड नहीं कर पाया है। स्मार्ट लॉक भी USA में पहले से है, लेकिन अभी भी हर कोई वहां पे यूज नहीं करता है। तो जो चीजें जियो लाना चाहती है इंडिया में, ये अभी बाहर भी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में अभी ऐसी चीजों को लाना बहुत ही ज्यादा जल्दीबाजी होगी। और जियो ने अभी तक सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को अभी तक दिखाया है, वो भी स्क्रीन के ऊपर, रियलिटी में इनका एक्चुअल डेमो तक नहीं दिखाया है, और ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो एक्चुअली कब आएंगे और कितने के आएंगे और ये कैसे काम करेंगे। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये जियोफोन 1 जैसे ना हो, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंग होता था, उसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम थी, वो एक ओवर हाइप्ड फोन की तरीके था। और मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया अभी भी ऐसे प्रोडक्ट
स्टैंडर्ड्स के लिए तैयार नहीं है और इंडिया के जो नॉर्मल होम्स होते हैं उन्हें स्मार्ट होम्स बनने में अभी टाइम लगेगा। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोग एक्साइटेड हो जियो गीगा फाइबर के लिए, क्योंकि मैं तो एक्साइटेड हूँ। और आप कितना वेट कर सकते हो अपने शहर में जियो गीगा फाइबर के लिए और कितने पैसे दे सकते हो जियो गीगा फाइबर के इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।